हूँ हैदराबाद की। तो हैदराबाद का बॉम्बे बेकरी का केक, और इसी खूबसूरत हैदराबाद में रहती है 12 साल लड़की कश्यप राजपर, जो अपने शहर की तरह ही, तारीख की तरह ही हुनरमंद पुर एतमाद, जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में यंगेस्ट ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान बन के उभर के सामने आए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ? मिस राजपर, जरा मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं आपकी हेल्प करूँ? आप तो मुझे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पर्सनली आपके शो से मैं देखती हूँ, आई थिंक आप, मैं तो ऑलमोस्ट आपसे बहुत ज्यादा सीखती हूँ। मुझे, मैं आपको कैसे सिखा सकती हूँ, आप तो मुझसे बड़े हैं। पहले पापा को थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, एंड मेरे पापा ने मुझे हर तरीके से हेल्प किया। मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मुझे समझाते हैं। आई थिंक ये जो सारा जो मैं करती हूँ, मेरे पापा और मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स की वजह से है। आपको सबसे पहले अपने टैलेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जिस तरह का आपको टैलेंट है, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो तुम ना सबसे पहले दिन में माशाल्लाह पढ़ा करो, कोई नजर ना लग जाए। मेरी इतनी प्यारी बच्ची है, कोई तारीफ करता है सबसे पहले कहती है यार माशाल्लाह, तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। तो मेरी मम्मा भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो कहती है कि कश्यप नजर लग जाती है, तुम प्लीज इतना मत बोला करो। और जब मैं ज्यादा बोलती है ना, और ये कहती बाबा मैं वो करूंगी, बाबा मुझे ये करने, मम्मा कहती है कश्यप क्या हो गया बेटा। तो मैं, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कहना चाहती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा थैंक यू मैं करना चाहती हूँ वो आपको करना चाहती हूँ, साथ भाई की, आपने आज मेरी इतनी तारीफ की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ।